काफ़ी दिनों के बाद पोको की तरफ से भाई पोको का बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम निकल के सामने आया है, और अगर आप इसे फील करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल दूंगा कि आपको क्या बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है अगर आप बीटा प्रोग्रामर बनते हो, ताकि आपको ओटी अपडेट सबसे पहले मिल जाए तो, और इसके क्या नुकसान होंगे, साथ ही साथ इसे फील कैसे करना है और फील करने के लिए कंडीशन वगैरह सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना, ताकि भाई आप कुछ भी करो उससे पहले आपको पूरा इन्फॉर्मेशन हो कि हाँ आप कर क्या रहे हो, वो आपके लिए सही होने वाला है या फिर गलत होने वाला है। और मैं हमेशा इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता हूँ, ताकि आपका कभी नुकसान ना हो सके जो कुछ भी आपको पता हो। इसलिए यार लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि सब कुछ आपको ट्रूली पता चलता रहे। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले हम यहाँ पे बात करते हैं उन टॉपिक के ऊपर जिनकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है और फायदा हो सकता है। तो यहाँ पे भाई नुकसान ज़्यादा है, फायदा कम है उन यूजर्स के लिए जो कि एक नए पोको डिवाइस की वजह से या Xiaomi डिवाइस की वजह से जिनको कुछ खास अता पता नहीं है। लेकिन आप थोड़ा एडवांस लेवल के यूजर्स हो, रूट वगैरह, बूटलोड, अनलॉकिंग वगैरह सब कुछ जानते हो, तो आपके लिए ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। आपके लिए बेनिफिट क्या होगा कि जब भी कोई अपडेट आने वाला होगा ना, तो आप बीटा टेस्टर बन जाओगे तो सबसे पहले आपको ही अपडेट मिलेगा, उसके बाद बाकी अदर नॉर्मल यूजर्स को मिलेगा। यानी अपडेट मिलने का सबसे पहला नंबर पे आप खड़े रहोगे और बाकी आपके साथ जो ज्वाइन होंगे वो लोग, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। लेकिन हाँ, जब भी कोई बीटा टेस्टिंग अपडेट आता है या स्टेबल का बीटा, नोट अलग से बीटा, ये जो स्टेबल अपडेट आ रहा है ना, जैसे अभी 13.0.4 रन कर रहा है, तो नेक्स्ट आएगा 13.0.5, तो वो पहले कुछ यूजर्स को दिया जाएगा सिलेक्टेड जो कि बीटा प्रोग्राम बनेंगे, उसके बाद पब्लिक रूप से सभी को मिलेगा। तो जो नेक्स्ट अपडेट आएगा उसमें मे बी बग हो सकता है, जिसकी वजह से आपका फ़ोन भाई बूटलू में चला जाए या रीस्टार्ट ना हो, या ब्राइटनेस काम ना करे, या टच काम ना करे, या काफ़ी ज़्यादा लैग हो जाए, या हीट करे, या बैटरी ड्रॉप करे। इनमें से कोई भी बग देखने को आपको मिल सकता है, जरूरी नहीं कि बग मिल ही जाए, नहीं भी मिल सकता है। ये तो भाई डिपेंड करेगा हर एक अपडेट के ऊपर, हर एक डिवाइस के ऊपर। तो अगर बग आता है तो वैसे में आपके फ़ोन के अंदर कुछ कुछ चीज़ें होनी चाहिए जरूरी, जिससे आप उसे रिकवर कर सको। पहला कंडीशन क्या होगा कि आपके फ़ोन का बूट लोडर कंपलसरी है अगर आप बीटा प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो, ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम आए ना आप खुद से सॉल्व कर सको, बार बार आपको केयर विजिट करना ना पड़े या फिर इधर उधर भागना ना पड़े। तो भाई अगर आप बीटा प्रोग्राम बनना ही चाहते हो तो सबसे पहले ये चीज़ कर लेना, वो है आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो कर रखा है, ये सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप ये अनलॉक नहीं भी करते हो या कर लेते हो, तो जब भी कोई अपडेट आपको नज़र आता है आपके फ़ोन के अंदर, तो भाई फॉर्म पे साफ साफ लिखा गया है कि जब भी कोई अपडेट आता है ना, आपके फ़ोन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, ऐप्स है, फाइलें हैं, उनका बैकअप जरूर कर ले, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि बग आ सकता है जिसकी वजह से आपका फ़ोन का डेटा एक्सेस ना हो पाए और आपका फ़ोन का सारा डेटा खत्म हो सकता है किसी भी कारण से। इसलिए जब भी अपडेट आता है, अपडेट करने से पहले बैकअप जरूर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। और ऐसा प्रॉब्लम रियर केस में ही देखने को मिलता है कि भाई आपका फ़ोन बूट लो में चला जाए या डेड हो जाए, लेकिन हाँ जब होता है तब सोचो कि भाई क्या होगा उनके ऊपर जिन्होंने अपना पॉकेट सेविंग करके भाई ये चीज़ किया है, फ़ोन लिया है और बीटा प्रोग्रामर बन गए, कुछ अता पता था नहीं, बन गए, ओटी अपडेट आया, कर लिए, काम खत्म हो गया फ़ोन का, तो फिर क्या करोगे, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में जरूर रखना। तो ये दो तीन चीज़ है जो कि सबसे बड़ा नुकसानदेह हो सकता है, और बेनिफिट बस वही होगा कि जब भी कोई ओटी अपडेट आएगा आपको पहले मिल जाएगा, आपको लंबा बाकी अदर यूजर्स की तरफ वेट नहीं करना पड़ेगा, इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा, सर्च नहीं करना पड़ेगा कि भाई ओटी अपडेट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। और जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे ना, आपके फ़ोन के अंदर स्टॉक MIUI डाला हुआ होना चाहिए, वो भी लेटेस्ट, जैसे कि मेरे फ़ोन के अंदर डाला हुआ है। तो चलिए अब आते हैं PC स्क्रीन पे और देखते हैं कि भाई फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या चीज़ें लिखी गई है और कैसे कैसे है जो फॉर्म को फिलअप करना है। ओके, लाइक जरूर कर देना। हाँ तो भाई हम आ गए हैं ऑन स्क्रीन, और यहाँ पे आप देख सकते हो पोको टेस्टर वांटेड फॉर MIUI ग्लोबल स्टेबल। तो अगर आप चाहते हो भाई जो भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको मिल जाए और टेस्ट कर पाओ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्या कुछ आपको करना होगा कौन कौन डिवाइसेज के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है लिस्ट जो कि हमारा पोको F4, पोको F4 GT, पोको X4 GT, पोको X4 GT Pro, पोको M5 और पोको M5S जो कि अभी फ़िलहाल लॉन्च हुए थे। तो यहाँ पे कुछ ग्लोबल के डिवाइस के नेम है और कुछ इंडिया के भी है, क्योंकि ये ग्लोबल है तो सभी के लिए यहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है जो कि आप अच्छे से रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे भाई इन्फॉर्मेशन दिया गया है जिसको आपको अच्छे से ध्यान से देखना समझना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे फॉर्म फिलअप करना और उसके बाद आप भाई इसका बेनिफिट ले पाओगे।
जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है भाई कि आप अगर स्टेबल ग्लोबल MIUI के ऊपर हो तभी आप फॉर्म फिलअप करना, साथ ही साथ यहाँ पे आपका स्टॉक MIUI पे होना चाहिए लेटेस्ट के ऊपर, ताकि आप हमेशा OTA अपडेट भाई रिसीव कर सको। और जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जाके इन्फॉर्मेशन नहीं देना कि भाई मैंने अप्लाई कर दिया है, आपको इन्फॉर्मेशन देना है कब जब आपको OTA अपडेट रिसीव होगा, तो उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, हाँ भाई मुझे OTA अपडेट मिल गया, उससे कुछ बग वगैरह हो तो वो बता देना। साथ साथ यहाँ पे जो भी आप फॉर्म फिलअप करोगे वो राइट होना चाहिए, बिल्कुल ही करेक्ट होना चाहिए, और आपका फ़ोन स्टिल फॉर्म फिलअप करते हुए टाइम पे MIUI के ऊपर होना चाहिए स्टॉक पे, वो भी लेटेस्ट ग्लोबल स्टेबल के ऊपर, ताकि वहाँ पे कुछ डिटेल मांगे तो आप फिल कर सको। साथ ही साथ आपको इनका जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन होना पड़ेगा जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो, और जब भी कोई भी अपडेट आप करो तो भाई उसका बैकअप जरूर कर लेना अपडेट करने से पहले, क्योंकि ये एक बीटा टेस्टर स्टेबल रोम होने वाला है, तो मे बी अदर इशू भी आ सकता है जिसमें आपका फ़ोन का डेटा जा सकता है, फ़ोन बूट लूप में जा सकता है, मे बी आपका जो कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से कुछ एक्सेस ना कर पाओ, ये चांस कम रहते हैं बट हाँ हो जाते हैं, तो ये चीज़ का आप ध्यान में रखना ताकि आपका डेटा सेफ रहे। उसके बाद यहाँ पे सारे डिटेल जो फिल करोगे वो अच्छे से फिल होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपके एप्लीकेशन को ये लोग देखेंगे, रिव्यू करेंगे, उसके बाद आपको परमिशन देंगे कि हाँ भाई आप बन गए हो या नहीं बन गए हो। अब यहाँ पे कुछ कोड बताए गए हैं जिसके अनुसार आप पता कर पाओगे भाई यहाँ किस किस कंट्री का है, तो ये बेसिकली सभी को पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। जो कि MI हमारा आता है ग्लोबल वर्जन के लिए, IN आता है हमारे इंडिया यूजर्स के लिए, EU आता है यूरोप का, RU आता है रसिया का, और ID आता है इंडोनेशिया का। तो आपके डिवाइस के बारे में जो कोड कुछ लिखा हुआ रहता है ना उसमें देखना, बीच बीच में ये सारे नंबर लिखे रहते हैं जिससे आपको पता चल पाएगा, जो कि फोटो में समझाया भी गया कि कहाँ पे आपको क्या कोड यहाँ पे देखना है, जो कि आप यहाँ पे इस तरीके से देख पा रहे हो, तो ये चीज़ आपको देख लेना अपने फ़ोन के अंदर। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस लिस्ट दे दिया गया है कि भाई किन किन के लिए आप ये फील कर सकते हो, तो इतने डिवाइसेज यहाँ पे नाम मेंशन किए गए हैं, जबकि हेड में थोड़ा कम डिवाइस का नाम मेंशन था जो कि रिसेंटली लॉन्च हुए थे, बट बाकी अदर भी है, तो इनमें से जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हो ना भाई फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फिलअप करने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है, भाई आप फिलअप कर देते हो ज्वाइन हो जाते हो तो आपको भाई बग रिपोर्ट ठीक से करना आना भी चाहिए, जैसे कि जो भी बग है उसका डिस्क्रिप्शन यानी डिटेल में बताओ कि क्या बग है, अगर अगर पॉसिबल हो पाया तो भाई उसका आप वीडियो बनाओ या स्क्रीनशॉट शेयर करो ताकि अच्छे से उसे समझा जा सके। कौन से MIUI वर्जन पे हो वो आपको बताना पड़ेगा, कौन सा डिवाइस आप यूज कर रहे हो वो आपको बताना पड़ेगा, और स्टेप टू स्टेप गाइड करना पड़ेगा वहाँ क्या क्या कैसे कैसे आपने किए तो ये बग वगैरह मिला, या फिर लॉग आप पॉसिबल हो निकाल सकते हो तो वो डोप, ताकि अच्छे से उस बग को रिपोर्ट किया जा सके और टीम उसे फिक्स कर सके। ये सारी चीज़ आपको करनी होगी जब आप बीटा प्रोग्राम के लिए ज्वाइन हो जाते हो, सिलेक्ट हो जाते हो। तो यहाँ पे भाई कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है, जो कि यहाँ पे AMP वगैरह के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको जानना है तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके आप रीड कर सकते हो। अब फाइनल आता है अप्लाई करने का मेथड यानी लिंक, तो जो कुछ भी था गाइड वो मैंने आपको बता दिया, अब चलते हैं अप्लाई के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे कई सारी चीज़ें जो दिखी गई है जो कि आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे कुछ चाइना में कुछ इंग्लिश में होगा, स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है भाई कि आप सबमिट तो कर रहे हो, लेकिन अच्छे से ध्यान में रखना, और जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वो इधर उधर शेयर नहीं करना है, प्राइवेसी के रूप में आपको समझना है और बचा के रखना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई वी नीड टू कलेक्ट योर MIUI ID, यानी MIUI का ID डिटेल लेगा तो आप चाहते हो कि हाँ मैं दूँ, तो यस करो, नो करोगे तो भाई आओगे फॉर्म फिलअप ही नहीं होगा। ऊपर से ही आपका एज पूछा है भाई 18+ या 18 अंडर हो, तो वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है क्या कि प्लीज़ बैकअप योर डाटा बिफोर, जैसा कि मैंने आपको बताया भाई डेटा आप कर लेना बैकअप, क्योंकि भाई बीटा टेस्टिंग वाला रोम है तो भाई अपना डेटा बचाने के लिए बैकअप कर लेना। उसके बाद यस करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको फिल आउट करना होगा MIUI ID, जो कि सिंगल इनपुट होने वाला है, तो MIUI ID की जो भी आपके फ़ोन के अंदर लॉगिन है वो आपको यहाँ पे नंबर डालना है। मैंने फिल करके आगे कर दिया। अब मैं अपना डिवाइस पिक करूँगा, तो जो भी आपका डिवाइस होगा तो आप अपना पिक कर लेना। मैंने अपना Poco F4 पिक कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, तो आपको जो भी डिवाइस है जिस भी कंट्री का वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने भाई इंडिया के अंदर कोई और कंट्री का रोम डाल रखा है ना, तो भाई अप्लाई मत करो, ज़्यादा बेटर रहेगा अपने इंडिया वाला रोम या अपने स्टॉक रोम पे आ जाओ, उसके बाद आप अप्लाई करो। तो इंडिया का है तो मैं इंडिया सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई आपने जो कुछ भी फिल किया वो सबको सही है या नहीं, और आप बीटा टेस्टर बनना चाहते हो या नहीं, बाकी अदर चीज़ें इन्फॉर्मेशन है, तो यस करके आपको नेक्स्ट करना है सिंपली। यहाँ पे हो चुका। अब बाद में जब भी अनाउंसमेंट होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ आप सबमिट हुए हो या नहीं। तो वो तो भाई आएगी चीज़ें जब होगा, जब आपको पता चलेगा। एक लिस्ट निकल के आता है PDF के रूप में, जो कि मैं अक्सर टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ कि कौन कौन बीटा यूजर्स में सिलेक्ट हुए हैं। तो वहाँ पे आपका जो MIUI अकाउंट का डिटेल होगा ना वो आपका मेंशन रहेगा, तो वहाँ पे आपको फाइंड करना पड़ेगा कि आपका MIUI अकाउंट उस PDF के अंदर नजर आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो आप बन गए हो, उसके बाद आपको इनके टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये था टोटल और सिंपल सा प्रोसेस जो कि मैंने आपको बता दिया। अब मर्जी आपकी है और नहीं है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। तो
कर लो, और मन करता है तो यार लाइक कर देना, और मन नहीं करता है तो प्लीज यार फिर भी शेयर कर देना ताकि मुझे भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।